मिक्स कर दो मिक्स कर जी सर। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जो है जी फैसला किया है कि चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी का इंस्टीट्यूशन है, दोनों इंस्टीट्यूशन को साथ लेके ग्रासरूट लेवल की डेमोक्रेसी को साथ लेके ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है और अवाम को साथ लेके उनके इश्यूज़ को उबारने की कोशिश जो है वो अब कर रही है। और उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो उनसे हमने गुजारिश की थी कि जहाँ पे पीरखो जो गेट है उसके बिल्कुल सामने हमारा ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का हेड ऑफिस है और जहाँ पे आज जो वार्ड नंबर 3 के कॉर्पोरेटर हैं नरोत्तम शर्मा जी उन्होंने जहाँ पे एक जो है आधार कार्ड का कैंप जो है वो जहाँ पे रखा है और तमाम जितने भी वार्ड नंबर 3 के जो अवाम हैं वार्ड नंबर 5 के जितने भी जहाँ की जो लोकल जनरल अवाम हैं वो आके जहाँ पे आधार कार्ड अपने जो है वो बना सकते हैं, अगर किसी की करेक्शन है वो भी करवा सकते हैं, अगर किसी को नया आधार कार्ड बनाना है वो भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है लोगों के डोर स्टेप पर जो है वो देना शुरू कर रही है और चाहे गांव हो चाहे शहर हो हम तमाम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जो है अब हम लोगों ने कदम उठाए हैं। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 8-10 दिन से 15 दिन से जो है जो प्रवासी मजदूर जो हैं लेबर जो हैं दिहाड़ीदार जो हैं वो कश्मीर घाटी के अंदर उनका उनकी उनके ऊपर टारगेट हो रहे हैं और वो कम से कम भी 9 लोगों की इस वक्त जो हैं जो 9 लोग शहीद हो चुके हैं उनको मौत के घाट उतार दिया गया है मिलिटेंटों के द्वारा। और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो TRF हो चाहे वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को जो है सरकार की तरफ से हमारी अपील रहेगी कि ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको न्यूट्रलाइज किया जाए और जितने भी मिलिटेंट एक्टिव मिलिटेंट कश्मीर घाटी के अंदर हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि जो भी प्रवासी लोग हैं जो प्रवासी जो कश्मीर घाटी के अंदर दिहाड़ी लगा के अपने बाल बच्चों का जो है पालन पोषण कर रहे हैं उनको उनकी हिफाजत की जाए। और खसूसन तौर पे मैं मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ गृहमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रवासी लोगों के ऊपर जो टारगेट कर रहे हैं मुझे लगता है जी 90 जैसी स्थिति बनाने की कोशिश जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर के अंदर कर रही हैं और ऐसा पिछले जो है हमने 10 सालों में 15 सालों में नहीं देखा लेकिन अब 3 दशक हो चुके हैं अब 31 साल के बाद जो है अब फिर दोबारा जो है ये लोकल लोगों को और जो लोग बाहर के जो लोग हैं जो आउटसाइडर हैं और मनाटी कम्युनिटी के जुड़े लोग हैं स्पेशली उनको टारगेट किया जा रहा है जो बड़ी बदकिस्मती है। और हम ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है मीडिया के माध्यम से उन लोगों को जो है वो श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके फैमिली वालों के साथ ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है वो खड़ी है।